कांस्टेबल भर्ती में मेडिकल के नाम पर दलाली कर रहा था लोक निर्माण विभाग का बाबू गिरफ्तार। मेरठ जिले में चल रही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 की प्रक्रिया सरकारी विभाग के कुछ विभीषणों की कारगुजारियों के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल एक अभ्यर्थी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भर्ती प्रक्रिया में दलाली का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दलाली में लिप्त लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी को गिरफ्तार करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि मंगलवार को परतापुर के डिंडाला गांव का निवासी लवी सिंधु भर्ती में शामिल होने के लिए आया था। मेडिकल परीक्षण के दौरान एक डॉक्टर ने उसे पास करने की एवज में 15,000 की रकम मांगी। रकम देने के लिए लवी को एक नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा गया, जिसके बाद लवी ने मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने साकेत स्थित आरोपी के घर के आसपास जाल बिछा दिया। मोबाइल नंबर पर बात करने के बाद लवी लोक निर्माण विभाग के बाबू के पद पर कार्यरत ओमकार को उसके घर में पैसा देने पहुंचा, तो पुलिस ने पैसा लेते ओमकार को रंगे हाथों धर दबोचा। एसपी सिटी ने बताया ओमकार से पूछताछ की जा रही है। गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। उधर इस खुलासे के बाद पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर अब संशय के बादल मंडराने लगे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? ओमकार। काय के लिए लाए हैं? काय के लिए लाए? तुम्हें काय के लिए पकड़ा? सर ये वैसे वहाँ से कॉल आई थी मेरे पे, उसको कॉल को मैंने अटेंड किया, फिर मतलब पकड़िए कि तुमने इतने इतने पैसे मांगे। मैंने कहा मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। सिविलियन थाना क्षेत्र में और मेडिकल चल रहा है आरक्षी भर्ती के संदर्भ में, इसमें एक ओमकार नाम का व्यक्ति लड़कों से मेडिकल में पास कराने के नाम पर पैसे की मांग कर रहा था, जिसमें एक कैंडिडेट से उसने बात किया, पैसे के लिए गया बुलाया, वहां पर पुलिस टीम पहले से लगी हुई थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और लोग भी अगर इसमें शामिल होंगे तो तहकीकात में जो जानकारी आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर इसके क्या प्रोफाइल है? ये पीओडी में इम्प्लाई मेट बताया जा रहा है।